तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक रियल में। मेरा नाम सत्येंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं टेक रियल। टेक रियल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि PUBG को आप अगर दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे विदाउट एनी MB को वेस्ट किए। मतलब कि अगर आपके फ़ोन में PUBG इंस्टॉल है और दूसरे फ़ोन में आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका इंटरनेट भी वेस्ट ना हो, तो उसको कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताऊँगा समझाऊँगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे करेंगे, क्या स्टेप हैं, सारे कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोनों फ़ोन में एक शेयर एट एप्लीकेशन या एक्सजेंडर कुछ भी इंस्टॉल कर लें। उसके बाद में जैसे जिस फ़ोन में आपके पास PUBG इंस्टॉल है उसको सिंपली ओपन करें। तो मैंने यहाँ पे अपने जिस फ़ोन में PUBG इंस्टॉल है उसमें एक्सजेंडर को ओपन किया और उसके बाद यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा दूसरे फ़ोन को जिसमें कि हमारा PUBG नहीं है। तो दोनों फ़ोनों को आपस में पहले कनेक्ट कर लें। तो कनेक्ट करने की प्रोसेस आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पर कुछ इस प्रकार की रहेगी। तो मैं यहाँ से एक्सजेंडर को कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरे फ़ोन में जिसमें कि हमारा PUBG नहीं है, तो मैं इसमें कनेक्ट करूंगा और इसमें हमारा PUBG नहीं है। तो सिंपली दोनों को फटाफट कनेक्ट कर लेता हूं एक्सटेंडर को। और दोस्तों ध्यान रखिए, यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना, क्योंकि आपको अगर कहीं स्कैप कर देंगे तो हो सकता है आपका कोई स्टेप मिस हो जाए जिससे कि आपके लिए ये वीडियो अनयूजफुल रहे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिल्कुल स्कैप ना कीजिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे मैंने एक्सटेंडर को कनेक्ट कर लिया है दूसरे फ़ोन में। अब यहां से जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो दोनों फ़ोनों का एक्सटेंडर कनेक्ट हो गया, अब बात आएगी कि जिस फ़ोन में PUBG इंस्टॉल है उस फ़ोन के एक्सटेंडर को हम ओपन करेंगे। मतलब कि कनेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ से पहले सबसे पहले मैं यहाँ से जो PUBG का ऐप है उसको शेयर करूँगा। तो आप देख पा रहे PUBG मोबाइल है तो इसको मैं पहले सबसे पहले सेंड कर दूंगा। तो आप देख पा रहे मैंने सिलेक्ट किया और नीचे आपको सेंड करके दिखाता हूँ। और देखिए आप देख पा रहे जो मेरा PUBG मोबाइल का एप्लीकेशन है वो यहाँ से शेयर हो रहा है, मतलब कि सेंड हो रहा है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, तो आपको एक्सजेंडर में ही अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। तो सिंपली मैं डिस्प्ले पे आपको दिखा दूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से करूँगा अपने फाइल मैनेजर को ओपन। तो आप देख पा रहे डिस्प्ले पे मैंने फाइल मैनेजर को ओपन किया। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा, तो सिंपली इंटरनल स्टोर, इसके बाद एंड्रॉयड एक फोल्डर मिलेगा उसमें जाना और यहाँ से आपको जाना होगा डेटा में। तो आप देख पा रहे डिस्प्ले पे जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ सेम वैसा ही। तो यहां पे आपको कॉम टेंसेंट का एक फोल्डर मिलेगा .ig, तो इसको भी आपको सेंड करना होगा। तो सिंपली सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सेंड कर दें। तो यहां से इसको भी सेंड कर दिया। अब इसके बाद फिर एक आपको फोल्डर को सेंड करना होगा जिसमें OBV फाइल होगी। तो सिंपली आप देख पा रहे दोनों फाइल मेरी यहां से सेंड हो रही हैं। और उसके बाद मैं यहां पे बताता हूं क्या करना है। तो सिंपली आप देख पा रहे कि जब जो ये दोनों फाइल मेरी शेयर हो जाएंगी उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। तो सिंपली आप बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताएं। तो देख पा रहे हैं कि अभी मेरे प्रोसेस में चल रहा है और इसके बाद नेक्स्ट बताता हूं क्या करना है। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, तो उसके बाद जो आप मैंने फोल्डर को शेयर किया है उसको आप जैसे ही आपका पूरा सेंड हो जाए उसके बाद आपको फाइल मैनेजर ओपन करना होगा और उसको आपने एंड्रॉयड फोल्डर में मूव करना होगा। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि अभी जो मेरा फोल्डर था दोनों ऐप को मैंने यहाँ से शेयर कर लिया। अब इसके बाद जो मेरा com.tele.ig फोल्डर मैंने एक्सजेंडर से शेयर किया उसको करूँगा मैं मूव, और मूव करूँगा एंड्रॉयड फोल्डर में। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा फोल्डर आ चुका है, तो इसको मैं अब करूँगा मूव। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हो मूव का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली करता हूँ मूव पे क्लिक। और जैसे ही मूव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, न्यू इंटरफेस ओपन होगा इस प्रकार का। तो यहाँ से आपको एंड्रॉयड फोल्डर में जाना होगा और आप देख पा रहे हो कि एंड्रॉयड फोल्डर और इंटरनल मेमोरी के एंड्रॉयड फोल्डर में, और यहाँ से आपको डेटा और यहाँ पे कर देना आपको मूव। तो यहाँ पे मूव कर दोगे, इसके बाद आपको अब एक फाइल और शेयर करना हो जिसका नाम होगा OBV। तो इसको मैं दूसरे फ़ोन से फिर इसको एक फोल्डर को शेयर करूँगा, एक फाइल को शेयर करूँगा। तो अभी मैं एक्सजेंडर को फिर ओपन करता हूँ और यहाँ से फिर मैं आता हूँ जिस फ़ोन में मेरा PUBG इंस्टॉल था, और यहाँ से मैं फाइल मैनेजर में फिर जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे मैं ऑलरेडी फाइल मैनेजर में हूँ, थोड़ा बैक करूँगा और एंड्रॉयड फोल्डर में आने के बाद आपको मिलेगा एक OBV फाइल का फोल्डर, और उसके बाद आपको एक फिर मिलेगा .co.tencent.org का फोल्डर, और इसमें OBV फाइल होगी। तो इसको भी शेयर करके सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही ये सेंड हो जाएगा उसके बाद इसको भी आपको मूव करना होगा अपने एंड्रॉयड फोल्डर में। एंड्रॉयड फोल्डर के बाद आपको OBV फाइल वाले
फोल्डर में मूव करना होगा। तो सिंपली जैसे ही ये शेयर हो जाता है उसके बाद बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों वीडियो अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताएं। तो देख पा रहे कि OBB फाइल भी मेरी शेयर हो चुकी है। तो फिर मैं यहाँ से अपने फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा और फिर एक्सजेंडर के फोल्डर में जाऊँगा, जिससे कि जहाँ पर हमारे जो शेयर हुई फाइल आई हुई है, जो शेयर हुआ फोल्डर आया इस ये है, तो इसको फिर मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद फिर फाइल मैनेजर में मूव करूँगा एंड्रॉयड फोल्डर में के OBB फोल्डर में। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और मूव के ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर एंड्रॉयड पर क्लिक किया और इसके बाद आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा OBB। तो आपको दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा OBB, तो इस पर इसके अंदर ही मूव करना होगा। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके अंदर मूव कर दूँगा। तो सिंपली आपके अगर फोल्डर आपके फाइल मैनेजर में नहीं है तो आपको एक मैनुअली फोल्डर को OBV के नाम से बना लेना है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया मूव, और जैसे ही मूव कर दोगे तो जो आपका PUBG है बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल हो चुका है। बस आपको करना क्या होगा, जो आपका 50 MB का APK फाइल था उसको आपको सिंपली कर लेना है इंस्टॉल फाइल मैनेजर में जाके। तो फिर यहाँ से मैंने अपने एक्सटेंडर को ओपन किया, इसके बाद एप्लीकेशन में गया और यहाँ से जो मेरा ऐप आया है उसको यहाँ से मैं करूँगा इंस्टॉल। आप देख पा रहे हो ये 50-60 MB का था, तो इसको कर लूँगा सिंपली इंस्टॉल। तो देख पा रहे हो कि यहाँ से मेरा PUBG इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यार 1.5 GB इंटरनेट वेस्ट करने से ये तरीका बिल्कुल ईजी रहा, आपकी कोई भी MB वेस्ट नहीं हुई। तो यहाँ से फटाफट अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें PUBG मोबाइल को। तो सिंपली मैं यहाँ से कर लेता हूँ PUBG मोबाइल को इंस्टॉल, और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन नहीं करना, उसके बाद आपको कर देना है क्रॉस। उसके बाद आपको देख पा रहे हैं यहाँ से PUBG ओपन करना है। अब PUBG जैसे ही ओपन करोगे तो आपका PUBG चालू हो जाएगा, आप खेल पाएंगे। आप यहाँ से लॉगिन करें, देख पा रहे हो कि जो PUBG इंस्टॉल किया वो चालू हो गया है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।